चलिए अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट सीरीज से मॉडल थ्री, जहां पर हमें दिए गए ट्रिपलेट्स में से पता करना है कि कौन सा ट्रिपलेट रॉन्ग है, यानी दिए गए ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। देखते हैं एग्जांपल क्या है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजिशंस इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दिए गए पांच ट्रिपलेट्स में से, यानी पांच जो सेट्स हमें दिए गए हैं एलिमेंट्स के, इनमें से चार एक जैसे हैं, राइट। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, किसी पैटर्न के अनुसार इन पांचों में से चार ट्रिपलेट्स एक जैसे हैं और इसीलिए इन चारों का एक ग्रुप बनता है। हमें पता करना है कि कौन सा वो पांचवा ट्रिपलेट है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, राइट। और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं दिए गए ट्रिपलेट्स हैं बी के टू, ई आई परसेंटेज, जे नाइन थ्री, एन कॉपी राइट एट द रेट, और फिफ्थ वन है फोर टी एन। और क्लियरली क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि ये जो पांच ट्रिपलेट्स में से जो चार का एक ग्रुप बन रहा है, इनके बीच में जो पैटर्न है वो बेस्ड है उनकी पोजीशंस पर। जैसे हमने प्रीवियस मॉडल में भी देखा था, मॉडल टू में मैंने कहा था कि एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनकी पोजीशंस पर रिलेशनशिप है, राइट। सो क्लियरली यहां पर दिया गया है कि जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो है इनकी पोजीशंस पर निर्भर करता है, राइट। सो इनकी पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें पहले पता करना है कि पैटर्न क्या है और उस पैटर्न के अनुसार हम रॉन्ग ट्रिपलेट पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बी के टू। अब दी गई ऊपर सीरीज में बी के टू, जैसे आप देख रहे हैं बी प्लस टू हो जाएगा के एंड टू, अगर आप बी से ही कंसिडर करें, यानी टू है माइनस वन, तो फर्स्ट एलिमेंट से प्लस टू हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट और माइनस वन हो जाएगा थर्ड एलिमेंट, राइट। अगर आप फर्स्ट पोजिशन को ही रेफरेंस ले, सो फर्स्ट पोजिशन प्लस टू इज के सेकेंड पोजिशन एंड फर्स्ट पोजिशन माइनस वन इज टू थर्ड पोजिशन, सो प्लस टू माइनस वन, ये है पैटर्न इस ट्रिपलेट के अंदर, राइट, इस ट्रिपलेट के बीच में। अब सेकेंड ट्रिपलेट है ई आई परसेंटेज, ई आई परसेंटेज है यहां पर ई आई, अगर आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव, आई है प्लस फाइव एंड परसेंटेज है प्लस वन। यहां पर भी हम फर्स्ट एलिमेंट को ही रेफरेंस ले रहे हैं, सो फर्स्ट एलिमेंट से प्लस फाइव जाएंगे तो सेकेंड एलिमेंट आएगा और फर्स्ट एलिमेंट से प्लस वन जाएंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। तो यहां पर पैटर्न हो गया प्लस फाइव प्लस वन। अब जैसे ही हम यहां पर सेकेंड एलिमेंट ट्रिपलेट का पैटर्न पता करते हैं, क्लियर हो जाता है कि या तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि बाकी के जो तीनों सेट्स यहां पर दिए गए हैं ये या तो सिमिलर होंगे फर्स्ट ऑप्शन से, प्लस टू माइनस वन का पैटर्न होगा, और उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि बाकी चारों में प्लस टू माइनस वन है और सिर्फ ऑप्शन टू में प्लस फाइव प्लस वन है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। या फिर ये तीनों जो सेट्स हैं यहां पर सिमिलर हो सकते हैं सेकेंड ऑप्शन से, यहां पर प्लस फाइव प्लस वन का पोजिशन रिलेशनशिप है, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यानी हमें अब सिर्फ करना ये है कि दिए गए बाकी के तीनों ट्रिपलेट्स में से किसी भी एक ट्रिपलेट का पैटर्न पता कर ले, यानी उन एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके पोजिशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे ही हम वो पैटर्न पता कर लेते हैं और उसकी सिमिलैरिटी अगर ऑप्शन टू से होगी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, और अगर ऑप्शन वन से होती है तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। ले लेते हैं थर्ड सेट यहां पर जो है J93। सो J93 कहां पर है, ये सेट है, देखिए J प्लस टू हो जाएगा 9 एंड माइनस वन हो जाएगा 3। सो यहां पर J93 के बीच में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है प्लस टू माइनस वन। तो अगर आप देखें फर्स्ट में प्लस टू माइनस वन है, थर्ड वाले में भी प्लस टू है माइनस वन है, सो ऑब्वियसली बात है कि बाकी के जो ट्रिपलेट्स हैं इनमें भी प्लस टू माइनस वन ही फॉलो होगा, तो मिसिंग ट्रिपलेट हो जाएगा और रॉन्ग ट्रिपलेट हो जाएगा ऑप्शन टू ई आई परसेंटेज। हमें इनके बीच में फिर से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं एन कॉपी राइट एट द रेट, एन कॉपी राइट है प्लस टू एट द रेट है माइनस वन, एंड फोर टी एन, फोर प्लस टू हो जाएगा टी, माइनस वन हो जाएगा एन, राइट। सो क्लियर है कि चार ट्रिपलेट्स कैसे भी कॉमन होने चाहिए, राइट, उनके बीच में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो सेम होना चाहिए, सो ऑब्वियसली फोर्थ और फिफ्थ भी फर्स्ट और थर्ड से सिमिलर रहेंगे, इसलिए आंसर है ऑप्शन टू। सो मॉडल टू और मॉडल थ्री एक जैसे ही है, हमें सिर्फ दिए गए एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप पता करना है, उनकी पोजीशंस के बीच में रिलेशनशिप पता करना है, और उस पैटर्न के अनुसार हम मिसिंग ट्रिपलेट या फिर रॉन्ग ट्रिपलेट जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस मॉडल थ्री में एडवांटेज ये है कि हमें इन दोनों ट्रिपलेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो नहीं पता करना पड़ता है, राइट। जैसे मॉडल टू में हमने देखा था कि हमें ट्रिपलेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप पता करना है, और दोनों जो ट्रिपलेट्स है कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट्स है इनके बीच में भी कितना डिस्टेंस है वो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि मिसिंग ट्रिपलेट हमें पता करना है। लेकिन इस केस में हमें दो ट्रिपलेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है या फिर क्या रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट सेट्स हैं, राइट। हमें सिर्फ दिए गए सेट के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनके पोजीशंस का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। तो इस प्रकार से आप पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए मॉडल टू और मॉडल थ्री के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।